हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे तीन सवाल की। एक बार महल में अकबर जो है वो बीरबल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, और महल में बैठे लोग जो है वो काफी जलते थे कि अकबर हमेशा बीरबल की ही प्रशंसा करते हैं। उनमें से एक जो व्यक्ति है वो मंत्री के पद पर था, और वो चाहता था कि वो महामंत्री के पद पर चला जाए। उसने एक तरकीब निकाली कि कैसे वो बीरबल को चकमा जो है चखा सके, और उसने अकबर के सामने ये अपनी मांग रखी कि वो बीरबल से तीन सवाल पूछना चाहता है, और अगर बीरबल ने उसके तीन सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो वो कहलाएगा कि वो जो है हमेशा अकबर की चापलूसी करता रहता है। ये बात सुनकर अकबर को थोड़ा बुरा तो लगा, परंतु उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो तीन सवाल पूछने हैं तो पूछो, और बीरबल इसका जवाब जरूर देंगे। तो जो मंत्री था उन्होंने अपने तीन सवाल रखे कि आकाश में तारे कितने हैं, दूसरा सवाल था कि धरती का जो केंद्र है वो कहाँ है, और इस दुनिया में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। उनकी यह बात सुनकर अकबर ने फौरन बीरबल से कहा कि बीरबल चलो आप इनके तीनों सवालों का जवाब दो। तो पहला सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। ये सुनकर उन्होंने जो बीरबल है उन्होंने महल के अंदर एक बकरी बुलाई और कहा कि महाराज, इस बकरी के अंदर जितने भी बाल हैं उतने ही इस आकाश में तारे हैं, और अगर मंत्री जी को यकीन ना आए तो बेशक गिनवा लें। दूसरा सवाल था कि धरती का केंद्र कहाँ है, और उन्होंने बीरबल ने एक छड़ी ली और धरती पर कुछ चित्र बनाना शुरू किया, और एक केंद्र पर उन्होंने अपनी छड़ी को रोका और कहा, महाराज धरती का केंद्र यही है। और बीरबल ने कहा कि अगर आपको यकीन ना आए तो आप इस धरती का जो है माप वो करा सकते हैं, धरती का केंद्र यही है। तीसरा सवाल बहुत मुश्किल था। बीरबल ने कहा, तीसरे सवाल का जो जवाब है वो देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ स्त्रियां भी हैं कुछ पुरुष भी हैं, परंतु उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ना ही स्त्री है और ना ही पुरुष है। और बीरबल ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हमारे महल में भी हैं, आपको यकीन ना आए तो आप मंत्री जी से पूछ लीजिए। यह बात सुनकर मंत्री थोड़े बेहाल हो गए, और बीरबल ने कहा, महाराज अगर आप भी जो अकबर मतलब मंत्री जो वहां पे मौजूद थे, अगर आप उनका धड़ से सर अलग कर दें तो मैं आपको सही सही बता पाऊंगा कि इस दुनिया में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। यह बात सुनकर जो मंत्री है वो थर थर कांपने लगे और उनसे कहा कि बस 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 बीरबल, मैं तुम्हारी समझदारी को मान गया हूँ। और यह जो वाक्य था उस सबको सुनकर अकबर ने यह घोषणा की कि उनके महामंत्री के पद पर अब बीरबल बैठेंगे।